piya ki aaye yaad piya ki aaye piya piya ki aaye yaad piya ki aaye बस आई जल्दी आना अस्सलाम वालेकुम साजिद आंटी तुम आना तो आपको चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं आप हमारी बड़ी हैं इसलिए मैं खुद ही आ गई आप क्या मुझसे नाराज हैं तुमसे मेरा रिश्ता ही क्या है तो क्या फिर शहरयार से नाराज हैं मैं किसी से नाराज नहीं हूं मुझे अच्छा नहीं लगा सो मैं नहीं आई अच्छा लगे या ना लगे लेकिन रहना तो अब हमें एक ही छत के नीचे हैरत है फराज हसन की बेटी होकर ऐसा मिजाज जिस नाम पे आप तंज कर रही हैं उस हवाले पे मुझे फख्र है आंटी बार बार पीछे मुड़ के देखने से आगे का सफर मुश्किल हो जाता है आंटी मैंने आप में और मामा में कभी फर्क नहीं समझा लेकिन आपने मुझे एहसास दिला दिया कि जो मां नहीं होती उसमें और मां में बहुत फर्क होता है चलो राखे ठहरो शहरिया शायद तुम ठीक ही कह रहे हो मैं सेल्फिश होकर सोच रही थी मैं ये भूल गई थी कि दर्द सिर्फ उसी को होता है जिसको जिसको चोट लगती है खुश रहो तुम दोनों ये मौसम कितना सीन लग रहा है ना तुम जब भी मेरे साथ होती हो ना मुझे तो खिजा भी भारी लगती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी मेरी जिंदगी तो उसी दिन हसीन हो गई थी जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था शहरयार आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना अगर आप हमेशा ऐसे प्यार से देखती रहेंगी तो फिर मैं कैसे बदल सकता हूं बहुत बातें मनानी आती हैं आपको अरे आपने सिखा दी हैं अच्छा फराज अंकल का कोई फोन आया हाँ आया था बाबा और फुप्पो अभी कुछ दिन गांव में रुकेंगे एक बात तो बताओ तुम्हारा भाई इतने नखरे क्यों करता क्यों हर वक्त मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हैं इतने अच्छे तो हैं वो अरे यार उसे कितनी बार कहा है कि हमारी तरफ आ जाए कम से कम जब तक अंकल वापस नहीं आ जाते मैं भाई को अच्छी तरह जानती हूँ वो हमारी तरफ कभी नहीं आएंगे ठीक है
फिर हम दोनों फरंग की तरफ चलते हैं। नहीं शहरयार, बहुत देर हो जाएगी। अरे नहीं होती ना देर, चलो उठो। एक्सक्यूज मी, बिल है। आया भाई। क्या हाल तुम्हारे करना? बस यार ऐसे ही जरा कुकिंग कर रहा था। और अभी तुम बताओ? मैं ठीक हूँ भाई। आप सुनाइए, ये क्या हालत बना रखी है? ऑमलेट, ऑमलेट यार। ओह क्या हो भाई? ऑमलेट बना रहा था, जल गया। ये तो होना ही था। आप शरिया के पास बैठिए, मैं देखती हूँ। नहीं मैम, जाइए ना। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, ऑमलेट बना रहा था, चल गया। वैसे तुम्हारा इलाज है मेरे पास। अच्छा, वो क्या है? इसलिए आज हम आपकी फेवरेट चीज लेके आए। इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? मैं तो वैसे भी खाना बाहर से ही खाता हूँ। अच्छा अच्छा, नखरे ना करो। बस भी ठीक है, तुम दोनों भी खाना मेरे साथ खाओ। नहीं भाई, हमें काफी देर हो गई है घर से निकले हुए। ये तो फिर गलत बात है यार। अच्छा बाबा ठीक है, हम खाना ये खाकर जाएंगे। ये हुई ना बात। मैं बस अभी आया। अरे अरे कहाँ चल रही है? मैं जरा बाजार से जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? हलीम लेने। भाई इसकी क्या जरूरत है? है, मैं बस अभी आया। अच्छा ये एप्रन तो ताज़ा। बहुत प्यार करता है तुमसे। आखिर भाई किसका है? चलो मान लेते हैं। मैं खाना लगा। बहुत देर नहीं लगा दी शहरयार और रवि ने। बच्चों अब आप उनकी फिक्र छोड़ दें, जब उन्हें घर की याद सताएगी ना तब वो आ जाएंगे। कोई बात नहीं साजदा, यही तो दिन है उनके एंजॉय करने के। बाद में तो लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि इंसान को अपनी होश भी नहीं रहती। मैं तो सोने जा रही हूँ भाई। बस अच्छा okay. बच्चों शब्बा खैर। तुम दोनों कुछ जल्दी नहीं आ गए? आंटी हम फरहान की तरफ चले गए थे। खाना तो खाकर आए होगे, है ना? जी आंटी। आंटी भाई ने रोक लिया था। आंटी मामा कहाँ? बज्जू ने तुम दोनों का बहुत इंतजार किया, फिर वो सोने चली गई। आंटी हम भी काफी थक गए, हम भी आराम करते हैं। राबी। जी आंटी। शादी के बाद मैके को भूलना पड़ता है। वो आंटी शहरयार ले गए थे। कोई बात नहीं, मगर आइंदा ख्याल रखना। जी आंटी।
क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था ना कि आप घर फोन कर दें। क्यों? क्या किसने कुछ कहा है? कुछ गलत तो नहीं कहा? आप आंटी क्या सोचती होंगी? अच्छा ना, सुबह मैं बात कर लूंगा उनसे। नहीं, मैं खुद ही सॉरी कर लूंगी। ओके। वैसे तुम लोग फारहान की शादी क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे जाने के बाद उस घर में किसी लड़की का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इतनी जल्दी ना होती तो बाबा मेरी और फरहान भाई की शादी एक साथ करते। अच्छा, अगर फरहान की शादी ना होने का जिम्मेदार मैं हूं तो फिर अभी मेरा मसला। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हम दोनों मिलकर फरहान के लिए कुछ ऐसी लड़की तलाश करेंगे और जल्द से जल्द उसकी शादी कर देंगे। बाय द वे, फरहान की कोई पसंद? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों, कोई गलत बात पूछी है क्या? नहीं तो फरहान से मैं तो पूछ लूंगा। समीर, समीर, बेला, hey, तुम अभी तक जाग रही हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस घर में रहने वाले सब लोग सो चुके हैं। एनीवे, कहां से आ रहे हो इस वक्त? तो एकदम मां वाला सवाल हो गया यार। तुमने अभी तक अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिया। सीरियस? You know what I believe? Life is not something to be taken as a very serious thing. You should enjoy it because it comes once. Live the full of it. And one more thing. Raat bahut ho gayi hai. Tumhe sona chahiye. Because I'm very sleepy. Good night. Mujhe hamesha avoid kyun karti ho? Pagal ho gaya? Main bhala tumhe kyun avoid karunga? Sorry. It's okay. Bye. Abhi, man, he's on office. मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं आंटी से आपकी शिकायत लगा दूंगी तो वो आपकी कान पकड़ के ना ऑफिस भेजेंगी। हाय, अब किस काफिर को ऑफिस में दिल लगेगा? ऑफिस में दिल लगाने के लिए नहीं, काम के लिए जाते हैं। अंडरस्टैंड? कितनी सालिम हो तुम। अब मुझे इमोशनल करने की कोई जरूरत नहीं। अब मेरी फिक्र कम और ऑफिस की ज्यादा कीजिए। बहुत हो गया, चलिए। अच्छा ओके, तुम भी साथ चला। मैं कहीं नहीं जा रही। इतनी सेल्फिश मत बनो यार। अच्छा जनाब, तो अभी से बुरी लगने लगी? नहीं रवि, मेरा ये मतलब नहीं था। सुनो मैं तंग कर रही हूँ मुझे। वैसे तुम बीवियां बिना शौहरों को कंफ्यूज करके कितना एंजॉय करती हो। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ ऑफिस। अपना ख्याल रखना। ये मैंने लिस्ट तैयार कर दी है जी। तुम ये ड्राइवर को दे दो और उसे कहना कि ये आज ही लेता है। जी बहुत अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जीते रहो। बेटा शहर यार ऑफिस चला गया? जी आंटी। रावी बेटा, अगर मैं शहर यार की मामा हूँ तो तुम मामा कह सकते हो मुझे। थैंक यू आंटी,
मेरा मतलब है मामा. That's nice. वो मामा, मुझे आपसे सॉरी कहना था. सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट बेटा? वो रात को हम आपके सोने के बाद वापस आए, आपको बुरा लगा होगा ना? अरे नहीं बेटा, मुझे बुरा क्यों लगेगा, मुझे तो खुशी होती है तुम लोगों को खुश देखकर. एक राज की बात बताऊं, ये जो मेरा शहर यार है ना, इसने अपने आप को बिजनेस में इतना गुम कर लिया है कि इसके पास अपने लिए भी टाइम नहीं है. ये तो अच्छी बात है ना मामा? नहीं बेटा, बिजनेस को इतनी भी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि इंसान बिजनेस का ही होके रह जाए. ख्याल रखना. राबी बेटा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर जरूर करना. पास्ट को भूलकर ये याद रखना कि अब प्रेजेंट में हम सब तुम्हारे अपने हैं. हाँ हाँ, एक बात नोट किया आपने? क्या? आबदा आंटी पहले राबी के इस घर में आने के सबसे ज्यादा अगेंस्ट थी, और अब अपना प्यार उस पैसे निछावर कर रही है जैसे बरसों की कोई तमन्ना पूरी हो गई हो. हाँ, देख रही हूँ मैं भी ये सब कुछ. देख रही हूँ, देख तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन आप कुछ करती क्यों नहीं है? अरे मैं क्या करूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है उनके घर के मामलात में दखल देने की? हाँ ले यार, एक तो आपका एटीट्यूड भी ना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है. कभी आप इतना गुस्सा होती हैं कि शादी के किसी एक फंक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करती, और कभी आप ये कहती हैं कि मुझे क्या जरूरत है मैं खानदान के किसी मामले में बोलूं. क्या बात है समीर, आजकल तुम घर के मामलात में बहुत दिलचस्पी लेने लगे हो. हम तो आप ही की बात पे अमल कर रहे हैं सर. आप ही ने मुझसे कहा था कि अगर इस घर में रहना है तो हर बात की खबर रखा कर. That's what I'm doing. मुझे एक बात बताएं, आपने जवार अंकल से मेरी और सना की शादी की बात की? हाँ की थी, उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि समीर ऑफिस में दिलचस्पी तो ले. I knew it. मुझे पता था कि जवार अंकल ऐसे कोई बहाना बनाएंगे, और आप देख लीजिएगा मैं इसी तरह खड़ा रह जाऊंगा और सना को भी और उड़ा के ले जाएगा. बेटा पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ, फिर किसी की क्या जरूरत कि तुम्हारा हक कोई ले उड़े. माँ एक तो आप हमेशा मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं, क्या कमी है मेरे में? कमी? मैं बताऊं क्या कमी है? जी बेटा, पहले तुम ये अपने बाल तो कटवाओ, जाओ कटिंग करवाओ. ये आप सारी माओं की एक ही टेंशन होती है, हमारे खूबसूरत बालों के पीछे पड़े रहते हैं. आंटी मैं आ जाऊं? हेलो, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हारे रूम से आ रही हूँ. क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे मार्केट जाना है कुछ बुक्स खरीदने के लिए, चलोगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे कुछ काम है, मुझे कहीं और जाना है. समीर, अरे नहीं बेटा ले जाओ, जाओ शाबाश. सुन चलो मैं आता हूँ. ओके, मैं चेंज करके आती हूँ. चेंज करने से बड़ा कोई फर्क पड़ जाएगा ना, जैसे ये जाएगी कब यहाँ से? अभी वो यहीं रहेगी, और देखो उसे कुछ मत कहना, वो बड़ी सेंसिटिव लड़की है. जाओ. दुनिया जान के सेंसिटिव बंदे हैं इधर. अरे जाओ. बेला शहरयार, सुबह से पांचवा फोन है आपका.
अरे आज तो ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा मेरा, आज मैं अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करती हूँ। इस तरह तो काम नहीं होता शहरयार। अरे तुम्हें काम की इतनी फिक्र क्यों है, काम भी होता रहेगा ना। आपका इलाज ये है कि मैं अब मोबाइल ही ऑफ कर देती हूँ, बाय। नहीं रवि, हेलो हेलो, हेलो हेलो आंटी, वो राबी से बात हो सकती है? हाँ बेटा, वो ऊपर अपने रूम में है, बुला दूँ? नहीं आंटी, वो एक्चुअली उसका फोन ऑफ था, तो मेरा मैसेज दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, क्या मैसेज है? आंटी उसे कहिएगा कि वो तैयार है, आज हम दोनों लंच के लिए बाहर जाएंगे। ओके मैं बता दूंगी। ओके आंटी, थैंक यू, बाय। ओ, आ गई आप? तुम आज भी किताबें खरीदने में इतना टाइम लगाती हो? ये एक ऐसा शौक है जो नहीं बदल सकता। क्यों, ऐसा क्या है इस शौक में? जिंदगी के मायने पता चलते हैं, अपना कैथारसिस होता है और आगे बढ़ने का रास्ता नजर आता है। हाँ, you know what? I hate philosophy. समीर, तुम कभी बदलोगे भी या नहीं? नहीं, गर्जन। अगर तुम्हें नहीं आना था ना, तो तुम घर पर ही रिफ्यूज कर देते। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे साथ आओ तो प्रॉब्लम, ना आओ तो प्रॉब्लम। अगर कोई तीसरा ऑप्शन है तो मुझे पहले ही बता दो। तुम मेरा प्रॉब्लम कभी समझोगे या नहीं? तुम्हारा प्रॉब्लम मैं जानता हूँ। यू लाइक टू ड्रीम एंड यू लव टू लिव इन योर ड्रीम्स एंड दैट्स योर प्रॉब्लम। एक बात बताओ, मैं कैसा लगा? बहुत बुरे। थैंक यू सो मच। चलो आई लाइक टू बाय दिस प्लीज। साजदा स्मिथ का उसे खाना नहीं खाना? वो बेला को लाइब्रेरी लेकर गया बच्चों। वैसे आज शहरयार को अकेले लंच करना कितना बुरा लग रहा होगा, है ना? नहीं आंटी, काम भी तो जरूरी है ना। रवि बेटा, तुम कुछ खा क्यों रही हो? बस मामा, मैंने खाना खा लिया। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी बेटा? जी बस हल्का सा सर में दर्द महसूस हो रहा है। अरे बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो तुम मेडिसिन लेकर रेस्ट कर लो। मैं भी यही सोच रही हूँ आंटी। तबीयत ज्यादा खराब हो तो बता देना बेटा। बच्चों, सना और बेला में वैसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सना को भी कंपनी मिल गई और बेला का भी दिल लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? हाँ भाई, हम तो पहले ही कह रहे थे कि आज तुम्हारा दिल बाहर नहीं लगेगा। शहरयार, तुम्हारे लिए खाना लगवाऊं? नहीं, वो एक्चुअली मेरा और रबी का आज बाहर लंच का प्रोग्राम है। राबी ने तो लंच कर लिया है ना? सॉरी बच्चों, चाहे आपको मेरी बात बुरी ही लगे,
अगर शहरियार ने कहा था राबी से कि लंच इकट्ठे करेंगे तो फिर उसे इस तरह हमारे साथ बैठकर तो कम से कम लंच नहीं करना चाहिए था। खैरियत है ना? बस यूं ही सर में दर्द हो रहा था, मैंने मेडिसिन ले ली है। मतलब तुम नहीं जा सकोगी? एक्चुअली मेरा प्लान था कि हम दोनों के बाहर लंच करते। सॉरी शहरियार, मैंने तो लंच कर लिया है, मैं आपके लिए लगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, बल्कि लेट जाओ और आराम करो, दिल पर लगा देगा। आराम करो। अच्छा भाई साजदा, मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये भी खाना लगवा ही दे। अच्छा मैं अभी देर बैठ। शहरयार बेटा, तुम्हें और राबी को खुश देखकर, सच्ची बात है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। लेकिन बेटा, जो बात राबी को पसंद ना हो उसके लिए उसे इंसिस्ट मत किया करो। समझा नहीं आंटी। देखो, राबी को होटलिंग का बिल्कुल शौक नहीं, और वैसे भी जिस क्लास से उसका ताल्लुक है ना, वहां लड़कियों को ऐसी एक्टिविटीज की बिल्कुल आदत नहीं होती। कुछ कहा है उसने आपसे? हर बात कहना जरूरी नहीं होती है, रवैये बहुत कुछ समझा देते हैं। बच्चों कहां रह गई? और दिलबर, अरे बच्चों, प्लीज ये मत कह देना कि शाम में तुम मुझसे नहीं मिल रही। अगर ना मिलूं तो मैं राबी से कहूंगा कि अपनी ननंद साहिबा को समझाएं कि किसी को इस तरह से नहीं सताते। तुम्हें तो अभी से शाम की फिक्र लग गई है। मैंने किसी और वजह से फोन किया था, तुम्हें एक बात बतानी थी। अच्छा जी, हम भी तो सुने, क्या बात है? जनाब, शादी की स्नैप्स देख रही थी एल्बम में। यू आर लुकिंग सो क्यूट। रियली? वैसे ये खबर काफी देर से नहीं मिली तुम्हें? बाय द वे, क्या हो रहा था? तुम्हारी याद में पौधों को पानी दे रहा था। प्लीज आ जाओ ना, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा। अभी के अभी आ जाओ। अच्छा बाबा, आ रही हूँ। ओके बाय। मेरी बात तो सुने ना। मैं नहीं सुन रहा। मामा, मुझे अपनी नई कार की चाबी दे दें। नहीं, बिल्कुल चाबी नहीं मिलेगी तुम्हें। एक तो इतनी रैश ड्राइविंग करती हो और फिर ड्राइवर भी साथ नहीं लेके जाती हो। मामा मामा मामा, आई प्रॉमिस मैं गाड़ी बिल्कुल तेज नहीं चलाऊंगी। क्या है? अच्छा सना, जी कहीं जा रही हो?
जी, तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। तुम राबी के भाई को पहले से जानती हो? आप ये क्यों पूछ रही हैं? यूं ही? शायद किसी प्राइवेट फर्म में छोटी मोटी जॉब करता है ना? जी हाँ। वलीमे के रोज जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। देखा होगा, इसी शहर में रहता है? नहीं, मैंने उसे घर के बाहर देखा है। वो तुम्हें ड्रॉप करने आया था शायद, है ना? जब आप सब कुछ जानती हैं तो फिर पूछ क्यों रही हैं? ओ, तुम शायद माइंड कर गई। मैं जाऊं? श्योर। प्लीज फरहान, अंदर आओ ना। फिर वही जिद। तुम अंदर आओगे तो राबी को अच्छा लगेगा। सुना, राबी से मिलने को मेरा भी बहुत दिल चाहता है, मगर तो बस ठीक है, अब तो तुम्हें अंदर आना ही पड़ेगा। अगर तुम ना आए तो मैं राबी से कह दूंगी, वो तुम्हें खुद ही आगे ले जाएगी। फिर प्लीज, क्या बकवास है यार ये। चलो चलो। इन्हें तो मैं जबरदस्ती पकड़ के लाई, पता है ये तो बाहर से जा रहे थे। अच्छा, ये तो बड़ी गलत बात है भाई, ऐसी निगाह बेनियाजी क्या बाहर से चले जाएंगे। बस भी करें, अब आप तो मेरे भाई के पीछे पड़ गए। अरे बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, इसे डांटने का पूरा हक रखता हूँ मैं। तो क्या मैं कान पकड़ूं? अरे नहीं यार, बस तुम सारा दिन घर पे करते क्या रहते हो? अंकल के वापस आने तक यहीं क्यों नहीं आ जाते? हर कोई आपके कहने पे घर नहीं छोड़ सकता, एक मैं ही थी जो चली आई। देख रही हो सनम, भाई के आते तुम्हारे भाभी के तेवर कैसे बदल गए हैं। कभी कभी तेवर बदलने में भी बड़ा फायदा होता है ना भाभी? ठीक है जनाब, इन्होंने भी पार्टी बदल ली। यार आप किन की बातों को वाइंड कर रहे हैं, इन लड़कियों की बातों को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। अरे समीर कैसे हो? बस ठीक ठाक, आप सुनाओ। आओ बैठो ना। नहीं थैंक यू, मैं वैसे भी इनसे मिल चुका हूँ। साले साहब आपके। चलिए यू गाइस एंजॉय, देन आई विल सी यू इन अ मिनट। मैं सोच रहा हूँ कि यार अब तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने और रवि ने फैसला किया कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे। मेरी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। भला आप जनाब से बढ़ के हमारी हेल्प कौन कर सकता है? अच्छा रवि, हमारे साले साहब आए हैं, कुछ चाय कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करा ला के। हाँ मैं। और चाय? मैं तो ठीक हूँ। तुम सोच रहे हो कुकिंग कैसी चल रही है? कुकिंग मस्त से आ रहा है।
खाने का खिला रहे हैं आप भी खा ले जो ऑमलेट उन्होंने खाया चला हुआ समीर तुम्हें क्या हुआ वो फिल्मी हीरो अब इस घर के अंदर तक घुसा है कौन वही मिस्टर फरान जो सना के दिल में बसता है अगर तुम ये जानते हो कि वो सना के दिल में बसता है तो फिर उसे भला इस घर में आने से कौन रोक सकता है मैं रोकूंगा उसे जोश में बात हमेशा खराब होती है बेटा हैरत तो इस बात की है कि बच्चों को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा दिखाई कैसे देगा उन्हें अपनी नई नवेली दुल्हन के नाजो नखरे उठाने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ नजर आएगा ना उन्हें पर वैसे भी सना वो कभी नहीं होने देगी जो हम चाहते हैं और मैं वो कभी नहीं होने दूंगी जो सना चाहती है तो फिर आबिदा आंटी को समझाएं बच्चों से बात करनी होगी मुझे तो यह समझ नहीं आती कि उसको उस गजरे वाले में नजर क्या आता है क्या खूबी है उसमें खूबी तो उसमें बहुत बड़ी है मतलब अगर तुम्हारा टारगेट सना के जरिए जवार भाई की प्रॉपर्टी तक पहुंचना है तो फारान का टारगेट सना का दिल जीतना है याद रखो समीर जो इंसान दिल जीत सकता है वो चाहे तो पूरी दुनिया लूट सकता है मैं आप कहना क्या चाहती हूँ अगर तुम सना का दिल जीतना चाहते हो तो उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसे फारान से ज्यादा चाहते हो पर मां वो उस गजरे वाले पे अंधा एतमाद करती है उसके इस एतमाद में अपने लिए तो तुम्हें जगह खुद बनानी है समीर थिंक अबाउट इट भाभी हूं मैं तुम्हारी समीर नाम मत लिया करो मेरा सॉरी यार वो एक्चुअली मैं इस तरह की टेंशन के अंदर पड़ता नहीं हूं ना वैसे भी फर्क कितना है राबी भाभी कोई नहीं बहुत फर्क लेकिन ये फर्क उन लोगों के लिए मायने रखता है जो रिश्तों की पहचान जानते हैं एंग्री यंग वुमन वैसे आपको गुस्सा बहुत आता है आप कूल रहा करो क्योंकि जिन लोगों को मेरे साथ रहना होता है ना दे शुड स्टे कूल समीर क्या हुआ होना क्या है आंटी आप देखे ना भाभी जी जरा जरा सी बात पे मुझसे नाराज हो जाती हैं। तुम यकीनन सता रहे हो मैं सता सकता हूं इन्हें मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि भाभी जी मैंने आपकी शादी पे आपको कोई तोहफा नहीं दिया तो उसकी कंपनसेशन के लिए एटलीस्ट एक डिनर ही कर ले मेरे साथ हाय भाभी तो चले जाओ ना बेटा नहीं मैं नहीं जाऊंगी मामा नाराज हैं पता है क्या कह रही हैं कि अगर तुम्हें याद भी आया तो इतने दिनों के बाद तो सही कहती है ना राबी बेटा अगर आज उसे अकल आ ही गई है तो चले जाओ ना तुमने शहरयार को इनवाइट किया वो मामा शहरयार आज बहुत बिजी हैं तो चलो जिस दिन शहरयार के पास वक्त होगा उस दिन ले जाना ठीक है आंटी 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 देखें ऐसा नहीं हो सकता मैंने सारा अरेंजमेंट करा के रखा हुआ है अब डिनर होगा ना तो आज ही होगा बस तुम भी तो जिद के पक्के हो ये वो इतने प्यार से कह रहे हैं शहरयार से कहना थोड़ा वक्त निकाल ले फिर चले जाना ओके ओके थैंक यू सो मच यू नो यू आर द बेस्ट सीरियसली
आखिर तुम चाहते क्या हो? आज का डिनर मेरे साथ। इम्पॉसिबल। यू नो व्हाट? होगा वही जो मैं चाहूंगा। भूल है तुम्हारी। चैलेंज है मेरा।